हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड उनके हिंदी मीनिंग और सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची के साथ में। क्लास को एंड तक देखना इंपॉर्टेंट है। और आज से 10:30 बजे रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट हो रही है, तो प्लीज़ उस क्लास को भी ज्वाइन करना। बिल्कुल बेसिक से रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट हो रही है। आज day 1 है, जो 10:30 बजे क्लास आएगी। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास का फर्स्ट वर्ड है रिटेनर। अगर मैं बात करूँ रिटेनर वर्ड में से सिर्फ रिटेन की, तो रिटेन का मतलब होता है कुछ भी बचा के रखना, जिसे हम रेसिड्यू भी कह सकते हैं। अगर बात करूँ रिटेनर की, तो इसका मतलब क्या होता है? फॉलोअर या डिपेंडेंट, जिसका मतलब होता है सेवक या जो आश्रित हो। आश्रित मतलब किसी पर डिपेंड हो, उसको हम रिटेनर कहते हैं। जैसे कि फॉलोअर होते हैं, फॉलोअर क्या होते हैं, जैसे कि इंस्टा पर इसमें आप फॉलोअर देखते हो कि आपको कौन कौन पीछा कर, मतलब कौन कौन आपको फॉलो कर रहा है। एक इसके लिए मैं टर्म बताऊं रिटेनर के लिए, इसका मतलब होता है हिंदी में आश्रित या जो सेवक हो। तो फॉलोअर या फिर आप डिपेंडेंट, इन दोनों से एज अ सिनोनिम आप लिख सकते हो। अगर आपके एग्जाम में आए या आपसे कोई पूछे, तो रिटेनर का मतलब क्या है? जो सेवक है या जो आश्रित है। और सिर्फ रिटेन वर्ड आए, अगर सिर्फ रिटेन आए, ER हटा दो, तो रिटेन मतलब बचा हुआ पार्ट, जिसको हम रेसिड्यू भी बोलते हैं। ठीक है, अगला वर्ड देखो जो है स्पेशियस। स्पेशियस का मतलब है पर्याप्त, यानी आपके पास जो भी सामान है वो सफिशिएंट है, या तो जिसे हम एम्पल भी बोलते हैं। एम्पल वर्ड का मतलब प्लेंटी होता है, एक्सेसिव भी होता है, यानी जरूरत से ज़्यादा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ सफिशिएंट की, तो क्या है, कोई आप जैसे कि आपको कोई चीज़ है, जैसे आपको कोई भी खाना दिया गया या कुछ दिया गया, अब आपने बोला नहीं ठीक है, अब सफिशिएंट है, अब मुझे इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, यानी पर्याप्त मात्रा के लिए हम सफिशिएंट या एम्पल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं स्पेशियस के सिनोनिम में। तो स्पेशियस का मतलब क्या होता है? जो भी चीज़ें आपके लिए पर्याप्त हो, यानी अब आप उससे मतलब संतुष्ट हैं, आपको ज़रूरत से ज़्यादा मिल गई। ठीक है, अगला वर्ड है क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट। सुना होगा आपने क्राफ्ट वर्ड, कभी रिप्लेस करना आ जाए तो क्राफ्ट का मतलब क्या है? कला या कोई भी कौशल क्राफ्ट कहलाता है, जिसे हम स्किल या ट्रेड वर्ड से रिप्लेस भी कर सकते हैं। कला या तो कोई भी स्किल, जैसे कहते हैं ना स्किल डेवलपमेंट, तो स्किल से क्या होता है, आपके अंदर किसी चीज़ को करने की कोई कला या कोई कौशल, निपुणता, ये सारी चीज़ें डेवलप करने के लिए क्या कहा जाता है, स्किल डेवलपमेंट का। तो क्राफ्ट वर्ड भी इसी का सिनोनिम है स्किल और ट्रेड का। अगला वर्ड है डैपर। डैपर का मतलब होता है तेज, फुर्तीला, चंचल, क्विक, स्मार्ट एंड नीट। डैपर के सिनोनिम हम लिख सकते हैं, जिसका मतलब क्या होता है? तेज, फुर्तीला और जो स्मार्ट भी हम बोलते हैं, जो स्मार्ट हो, फुर्तीला हो, तेज हो, तो वो डैपर कहलाते हैं। अगला वर्ड देखो इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस का मतलब है किसी भी चीज़ का, जैसे होते ना कंक्लूजन निकाल लेना, किसी भी चीज़ का निष्कर्ष निकालना इन्फ्रेंस कहलाता है। समराइज कर लेना किसी चीज़ को, कंक्लूड कर लेना इन्फ्रेंस कहलाता है। अगर मैं बात करूँ सिर्फ इस इन्फर वर्ड की, तो इन्फर का मतलब अनुमान लगाना होता है, जिसको हम गेस करना कहते हैं। तो इन्फ्रेंस का मतलब क्या है? कंक्लूजन या समराइजिंग, जिसको हिंदी में हम लोग निष्कर्ष कहते हैं, किसी भी चीज़ का कंक्लूड करके कंक्लूजन निकालना। ठीक है, अगला वर्ड है रीप्रूफ। अब मैं बात करूँ सिर्फ प्रूफ वर्ड की, प्रूफ क्या होता है? कोई भी सबूत होता है। अगर रीप्रूफ आ रहा है, RE जो है एज अ सफिक्स लग रहा है प्रूफ के, रीप्रूफ हो रहा है, इसका मतलब क्या है? किसी की भी आलोचना करना, उसकी बुराई करना, निंदा करना रीप्रूफ कहलाता है, जिसको हम ब्लेम या रीअप्रोच वर्ड से रिप्लेस भी कर सकते हैं, जिसका मतलब क्या है? किसी की भी निंदा या फिर उसकी बुराई करना। नेक्स्ट वर्ड है डिल्यूड। डिल्यूड का मतलब है बहकाना या धोखा देना। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि आपको बहकाने की कोशिश करते हैं, या तो धोखा देते हैं, चीट करते हैं। तो क्या मतलब है डिल्यूड का? चीट करना भी कह सकते हैं, डिसीव करना भी, या मिसलीड करना। ठीक है, जिसका मतलब क्या है? धोखा या देना, धोखा देना, या तो जिसको बहकाना कहते हैं। अब देखो आगे के वर्ड्स।
सो माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट वर्ड है ट्रांसक्रिप्ट। ट्रांसक्रिप्ट वर्ड का मतलब है किसी भी चीज़ की डुप्लीकेट कॉपी, या जिसको हम ड्यूप भी कहते हैं। ड्यूप मतलब ठीक उसी का नमूना। जैसे होता है ना कि कोई चीज़ है, फोटो कॉपी करा ली तो डुप्लीकेट उसकी एक कॉपी आपने करा के रख ली, तो ठीक उसी पैटर्न पर उसी का नमूना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्ट कहलाता है, जिसको हम ड्यूप वर्ड से भी कह सकते हैं। ड्यूप मतलब भी नकली होता है या ठीक उसी का नमूना होता है। नेक्स्ट वर्ड है टेक्सचर। टेक्सचर का मतलब होता है, जैसे आपने होगा ना पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, इसका क्या टेक्सचर है, यानी इसकी क्या बनावट है। कलर एंड टेक्सचर। टेक्सचर मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका डिज़ाइन कैसा है, उसका पैटर्न कैसा है, यानी उसकी बनावट कैसी है। टेक्सचर का वर्ड का मतलब क्या होता है, जिसे हम बनावट कहते हैं। ठीक है, अगला है स्लॉपी। स्लॉपी लोग वो होते हैं जो काफ़ी ढीले टाइप के हो, सुस्त टाइप के हो, जिसको हम क्या कहते हैं, लूज या स्लैक। ढीला होना, किसी काम में सुस्त होना, आलसी टाइप के, वो स्लॉपी कहलाते हैं। तो आलसी, ढीला या सुस्त। नेक्स्ट वर्ड है फीस्ट। फीस्ट होती है आपकी मुट्ठी, जिसको हम ग्रैस्प या हैंडफुल भी कहते हैं। ठीक है, हैंडफुल ऐसे बोलते हैं ना कि बहुत कम से लोग आए थे, कहीं मीटिंग थी, बहुत कम लोग आए थे, तो क्या बोलते हैं, बहुत हैंडफुल थे। हैंडफुल का मतलब एक मुट्ठी के बराबर। ठीक है, तो कभी भी ये वर्ड आए फीस्ट, फीस्ट मतलब मुट्ठी होती है, जिसको हम ग्रैस्प या फिर हैंडफुल कहते हैं, और हिंदी में मुट्ठी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एडल। एडल का मतलब जो चीज़ें सड़ गई है, ख़राब हो गई है, गंदी सी हो गई है, वो एडल कहलाती है, जिसको हम रॉटन कहते हैं। ये जो वर्ड है रॉटन और एडल, प्योरली ये किस लिए यूज़ होता है, मेनली ये यूज़ होता है किसी भी सड़ी हुई चीज़ों को दर्शाने के लिए, और डिंगी मतलब जो चीज़ें खराब या गंदी हो वो होती है। तो एडल की बात करूँ तो सड़ी हुई, बदबूदार या गंदी चीजों को बोलते हैं। अगला वर्ड है डीमेरिट। किसी में भी आपने सुना होगा, हर किसी में मैरिट और डीमेरिट होते हैं, जिसको हम एडवांटेज डिसएडवांटेज बोलते हैं। तो एडवांटेज मतलब उसके गुण या लाभ, डिसएडवांटेज मतलब उसके नुकसान। उसी तरीके से मैरिट होता है किसी के अंदर क्या गुण है, और डीमेरिट मतलब क्या उसके अवगुण हैं। तो फॉल्ट और रॉन्ग जिसको हम बोल सकते हैं, जिसको हम दोष भी बोलते हैं या अवगुण भी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बेल्च। बेल्च वर्ड का हिंदी मतलब है जिसको हम डकारना कहते हैं, जिसमें हम बोलें टू एमिट विंड नॉइजली फ्रॉम द थ्रोट, क्या कहलाता है बेल्च। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है हिंदी में, डकारना। बेल्च मतलब डकारना होता है। अब देखो आगे के वर्ड्स। माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट वर्ड है डेटम। डेटम वर्ड का मतलब होता है कोई भी माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट वर्ड है डेटम, जिसको हम डेटा या फिर फैक्ट कह सकते हैं। कोई भी तथ्य या सत्य, जैसे होते हैं ना कि दिए हुए आंकड़ों के अनुसार, कोई भी आंकड़ा, कोई भी ऐसा पॉइंट, कोई तथ्य जो हिंदी में हम बोलें, वो डेटम कहलाता है। डेटा या फैक्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, तथ्य बोलते हैं या कोई सत्य। जैसे बोलते हैं ना कि ये जो रिपोर्ट आई है, इसके अकॉर्डिंग, दिए हुए डाटा के अकॉर्डिंग, इस फैक्ट के अनुसार, तो इस तरीके से कोई तथ्य इसको हिंदी में बोलते हैं या सत्य भी कहते हैं। नेक्स्ट है मम। मम वर्ड का मतलब होता है जो साइलेंट हो या जो डम हो, जिसको हम गूंगा कहते हैं। ठीक है, मम मतलब जो बिल्कुल मूक रहे, गूंगा रहे, उसको हम डम, साइलेंट भी बोलते हैं। मम का मतलब होता है गूंगा, या जिसको हम चुप भी बोल सकते हैं। अगला है इंडीड। इंडीड का मतलब सचमुच होता है। ठीक है, इंडीड लिटरली या रियली वर्ड से हम बोल सकते हैं, जिसका हिंदी मतलब है सचमुच। नेक्स्ट वर्ड है डीलिंक्वेंट। डीलिंक्वेंट होते हैं दोषी या अपराधी को कहते हैं, जो गिल्टी हो, जो रॉन्ग डूअर हो, वो क्या कहलाते हैं, डीलिंक्वेंट कहलाते हैं, यानी जो हो दोषी या जो हो अपराधी। नेक्स्ट वर्ड है प्रीस्क्रिप्ट।
प्रीस्क्रिप्ट वर्ड का मतलब नियम या उपदेश होता है, जिसको हम लॉ या इंस्ट्रक्शन कहते हैं। जैसे कि ये कोई नियम कानून उपदेश दिया गया है, इंस्ट्रक्ट करा गया है, वो प्रीस्क्रिप्ट कहलाता है, जिसको हिंदी में हम क्या कहेंगे, नियम कहेंगे या फिर उपदेश कहेंगे। अगला वर्ड है स्नैपी, एंड स्नैपी का मतलब तेज या फुर्तीला होता है, जिसको हम शार्प या निम्बल कहते हैं। निम्बल वर्ड भी इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम तेज कहते हैं या जो काफ़ी फुर्तीला हो वो क्या कहलाते हैं, स्नैपी कहलाते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, ये क्लास यहाँ पे एंड हो रही है। आपको समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। आज से 10:30 बजे रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट हो रही है, प्लीज़ उसे भी ज्वाइन करना। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, बिल्कुल बेसिक से मैं हर एक चैप्टर रीजनिंग की कराना स्टार्ट कर रही हूँ। तो अब हम मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।